बड़े धूमधाम से मनाया गया बालाजी हॉस्पिटल का 19वां वर्धापन दिवस। दीवा का प्रथम हॉस्पिटल बालाजी को अपनी 19 साल की बेहतर सस्ती सेवा देने के लिए पूरे दिन समाज सेवकों, व्यापारियों, नेताओं, शुभचिंतकों व लाभान्वित मरीजों का तांता लगा रहा। सर्व श्री अशोक कुमार चौहान जी, सचिन पाटिल जी, अखिलेश तिवारी जी, राजेश त्रिपाठी जी, अनिल तिवारी जी, डॉक्टर राम दुबे जी, संजय मिश्र जी, उदय पांडे जी, कृष्ण चंद्र पाठक जी, विनीत तिवारी जी, राम सजीवन दुबे जी, कल्पनाथ शुक्ल जी, विजय भोर जी, पंकज सिंह जी, अजय सिंह जी, अमोल केंद्रे जी, नीलेश वारेकर इत्यादि लोगों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम से सुबह मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीजों ने अपना चेकअप करवाकर स्वास्थ्य लाभ लिया। देवा उपाध्याय के नेतृत्व में सुंदरकांड का आयोजन किया। प्रसिद्ध गायक श्री राम मिलन विश्वकर्मा जी व केशरी कनौजिया जी ने अपनी उत्कृष्ट गीत सुनाई। आयोजन को सफल बनाने में ब्रजेश पांडे जी, प्रेम गुप्ता जी, हृदय चौबे जी, निक्की त्रिपाठी जी, आकांक्षा जायसवाल जी, बिपिन सिंह जी, आदित्य चौबे ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हमारे बीच में समाज सेवी सचिन पाली जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस अवसर पर क्या कहेंगे। डॉक्टर पांडे जी, आज दिवा में 20 साल से हॉस्पिटल के मार्फत लोकांची सेवा करता है आणि या मार्फत ते सामाजिक कार्यक्रम जसे जास्त बिल असेल तर गोरगरिबांचे बिल कमी घेतात, जे महागड्या हॉस्पिटल जाऊ शकत नाही ते डॉक्टर पांडेजी त्यांना सेवा देत आहेत आणि चांगलं काम करत आहेत। 19 वर्षाचा चांगला त्यांनी टप्पा पार केलेला आहे, त्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा आणि भविष्यात ते आणखी मोठा हॉस्पिटल दिवामध्ये करो अशी त्यांना मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं दीवापुर स्थित मोटा देवी कॉलोनी में। यहाँ पे न्यू बालाजी अस्पताल का आज 19वां वर्धापन दिन है, मनाया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच में डॉक्टर पीएस पांडे जी मौजूद हैं जो इस अस्पताल के चेयरमैन हैं, इसके मुखिया हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी और सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीवा एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ 19 साल पहले 2004 में हमने यहाँ पे अस्पताल की शुरुआत की थी, जब यहाँ की आबादी गांव वालों की 50,000 और बाहर वालों की लाख की आबादी भी नहीं थी। तब से यहाँ अस्पताल में चला रहा हूँ और बड़ा यहाँ पे बड़ा सपोर्ट मिला, यहाँ का सेवा का बहुत बड़ा मौका मिला। आज आबादी 4 लाख के ऊपर है, 10-12 अस्पताल हो चुके हैं, तमाम सरकारी सुविधाएँ भी यहाँ पर अब उपलब्ध हो गई हैं। ऐसे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस इलाके की दीवा की मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। पांडे जी क्या कहेंगे, पहले जब आप आए थे, जब आप यहाँ पे अस्पताल की नींव रखने के लिए आए थे और आज के दौर में क्या अंतर है, आप क्या कहेंगे, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? भाई जब मैं आया था तब तो जमाना था कि दीवा में लोग लोकल ट्रेन से उतरते नहीं थे, दारू का व्यवसाय हुआ करता था, शुद्ध गाँव के लोग यहाँ रहते थे, बाहर से कटे हुए थे, बीच में खाड़ी थी, उत्तर मुमरा था, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, रोड से कोई संपर्क यहाँ नहीं हुआ करता था, ट्रेन से लोग उतरते थे बड़ी मुश्किल से, तो उस समय बड़ी तकलीफ होती थी सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब तो सारी सुविधाएं यहाँ पे हो गई हैं, अच्छी सड़क हो गई है, अच्छी लाइट हो गई है, बिल्डिंग का अच्छा डेवलपमेंट हो गया है और बॉम्बे की शिफ्टेड पब्लिक यहाँ पे आज दीवा मुमरा कलवा में बस रही है। बहुत खुशी की बात है कि क्लस्टर डेवलपमेंट में जा रहा है, स्मार्ट सिटी में दीवा आ गया है, तो यहाँ भी कायाकल्प होने वाला है। सरकार, भाजपा सरकार जो है यहाँ का भी कायाकल्प करने वाली है। यहाँ के रहवासी जो अब तक 15-20 साल बहुत तकलीफ उठाए, उसका सुख उनको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। सर आप सर क्या कहेंगे कि आप जो अस्पताल की आपने नींव रखा है, सर इसका उद्देश्य क्या था? अस्पताल खोलने का मेन उद्देश्य था जो है यहाँ की सेवा करना। बहुत गरीब लोग थे, आम गरीब लोग हैं, बहुत घोर गरीब लोग यहाँ पे थे,
तो बड़ा अच्छा मौका मिला लोगों का सेवा करने का यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज 19 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अनवरत सेवाएं दे रहे हैं। सबसे सस्ती मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ, खाली अपने दिमाग में रखिए कि ये सरकारी अस्पताल नहीं है, कहीं से हमें अनुदान नहीं मिलता है, उसके बाद जो भी होता है, मतलब आज तक मेरे यहाँ पैसे की वजह से कोई ऑपरेशन कैंसिल नहीं हुआ, पैसे की वजह से कोई पेशेंट वापस नहीं गया है, और मैं एकदम मिनिमम जैसे 10,000 के पैकेज में मैं आज नॉर्मल डिलीवरी करवाता हूँ, 25,000 के पैकेज में सीजर कर लेता हूँ, जबकि बाहर लाखों रुपए खर्चे हैं। तो मैं बहुत अच्छे से लोगों का सेवा कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, यहाँ की पब्लिक को धन्यवाद।